राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग की सतर्कता के चलते कई मामलों का खुलासा भी किया जा रहा है। विभाग की ओर से बढ़ती जा रही सतर्कता के चलते पिछले 2 साल में 23 किलो सोना एयरपोर्ट पर बरामद हुआ है। बैंकॉक से जयपुर आए यात्री से 570 ग्राम सोना बरामद हुआ है। कस्टम विभाग की ओर से त्योहारी सीजन में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आर्थिक अपराध नियमों के तहत सामने आए मामलों में सोने की जब्ती पर यात्रियों से पूछताछ के बाद छोड़ा जा रहा है। ऐसे में विदेश में बैठे तस्कर गिरोह के सरगनों तक विभाग पहुंच नहीं पा रहा। आयकर विभाग, कस्टम विभाग और ईडी और साथ ही केंद्रीय सतर्कता एजेंसी भारत में सोने की खपत के ठिकानों तक भी नहीं पहुंच पाई है। इस नाकामी के चलते अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान भी भारत सरकार को हो रहा है। वहीं तस्करी का सोना स्थानीय शराफा बाजार को भी प्रभावित कर रहा है। लगातार मामलों के बावजूद गुनहगारों के सामने नहीं आने पर ज्वेलर्स एसोसिएशन केंद्रीय विभागों को पत्र लिखकर अवैध तस्करी पर लगाम लगाने की मांग भी उठा चुका है। पिछले 6 महीने में घरेलू बाजार में सोना कीमतों में 20% की उछाल दर्ज की गई है और कीमतों में इजाफे से मांग में गिरावट भी देखी जा रही है।